तो आज मेरे दिन की शुरुआत होती है नो पार्किंग में पकड़ी हुई गाड़ियों को रिलीज करने से। नो पार्किंग से आज मैंने काफी सारी गाड़ियां उठा ली थी, इसमें कार्स और बाइक्स दोनों शामिल थे। और अब उन सब के मालिक आ चुके थे आरटीओ ऑफिस में मेरे पास उनकी गाड़ियों को वापस लेने के लिए। अब मैं सबका नाम पूछ रहा था, उनसे फाइन ले रहा था और सबकी गाड़ियों को उनको वापस हैंड ओवर कर रहा था। दानिश खान। हाँ सर, मैं हूँ। तेरे ऊपर नो पार्किंग का 4000 का चालान है और सिग्नल तोड़ने का 100 रुपीज का चालान। दो अपनी गाड़ी लेके जा। नेक्स्ट आकाश तिवारी। हाँ भाऊ, आकाश मैं हूँ। तुमने नो पार्किंग में दो बार अपनी गाड़ी लगाई थी, इसलिए 8000 रुपए का चालान और ब्लैक फिल्म यूज करने के लिए 6000 का चालान है। चालान भरो और अपनी गाड़ी लेके जाओ। विजय अन्ना। आइए। या हाँ मैं जी। तुम्हारे ऊपर तो ड्रिंक एंड ड्राइव का और रॉन्ग वे में ड्राइव करने का आरोप है, 5000 रुपए दो और अपनी गाड़ी लेके जाओ। ऐसा करते करते मैंने आज 4 से 5 लाख रुपए के चालान फाड़ दिए थे। अब यहाँ का काम खत्म होने के बाद मैं सीधा पुलिस स्टेशन की तरफ रवाना हो जाता हूँ, लेकिन पुलिस स्टेशन पहुँचने के बाद मुझे थोड़ा मंजर अलग दिखाई देता है। जैसे ही मैं पुलिस स्टेशन के अंदर जाता हूँ, मुझे वहाँ पे बहुत सारे लोगों की भीड़ दिखाई देती है और वो सारे के सारे लोग चिल्ला रहे थे। अरे अरे, आ सभी लोग शांत हो जाइए। अरे एक एक करके बताओ, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। सर, पहाड़ के पीछे के जंगल में भूत है, मैंने उसे देखा है। इतना सुनते ही मैं अपने साथी ऑफिसर के पास पहुँचता हूँ और मैं बोलता हूँ कि सारे के सारे लोग बकवास कर रहे हैं, लगता है बिन फालतू का कोई प्रोटेस्ट करने के लिए आए हैं। और मैं अपने साथी ऑफिसर को बोलता हूँ कि हमें इनकी बातों पे बिल्कुल भी ध्यान देना नहीं चाहिए। तभी मेरे साथी ऑफिसर मुझसे बोलने लगते हैं, पर मूसा सर, मुझे लगता नहीं ये लोग झूठ बोल रहे हैं। इतने सारे लोगों ने एक साथ जंगल में भूत देखा, हमें इस केस को सीरियसली लेना चाहिए। ये सुन के मेरे भी दिमाग में ख्याल आता है कि साला कोई ना कोई तो बात होगी, वरना इतने लोग एक साथ झूठ बोलने के लिए नहीं आते। तभी भीड़ में से खड़ा हुआ एक बंदा बोलने लगता है, सर अगर आपको हमारे बातों में भरोसा नहीं है ना, तो एक बार उस जंगल जाके आओ, फिर उसके बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो ही जाएगा। अब मैं अपने साथी ऑफिसर के साथ डिस्कस कर ही रहा था कि इस बार में अपने को करना क्या चाहिए, तभी मेरे एक और साथी ऑफिसर आते हैं और मुझे बोलने लगते हैं, इंस्पेक्टर मूसा, आपको चीफ ने अंदर बुलाया है। ये सुन के मैं बोलता हूँ कि अभी मुझसे क्या काम आ गया, मैंने कुछ गलती तो नहीं कर दी। नहीं, बस आपको जल्दी से जल्दी अंदर बुलाया है। ये सुन के मैं उन्हें ठीक है बोलता हूँ और फौरन इंस्पेक्टर साहब के कैबिन की तरफ निकल पड़ता हूँ। और जैसे ही मैं कैबिन में पहुंचता हूँ, मुझे इंस्पेक्टर साहब परेशान दिखाई दे रहे थे। मिस्टर मूसा, मुझे आपसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है। मैं बोलता हूँ, कहिए ना सर, क्या बात है? चलो मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। और फिर उसके बाद इंस्पेक्टर साहब मुझे मॉनिटर के पास ले जाते हैं और मुझे बोलने लगते हैं, पिछले कुछ दिनों से मिस्टर मूसा, काहली पहाड़ी के पीछे से कुछ ना कुछ वारदातें सामने आ रही है। पहले तो मैंने इन बातों पे ध्यान नहीं दिया, पर ये वीडियो क्लिप्स देखने के बाद मुझे अपनी आंखों पे यकीन नहीं हुआ। और फिर उसके बाद मॉनिटर में जो वीडियो क्लिप्स प्ले होती है, उसे देख के तो मुझे भी अपनी आंखों पे यकीन नहीं हो रहा था। सारी वीडियो क्लिप्स देखने के बाद मैं भी शॉक में चला गया था, लेकिन फिर भी मैं सर को बोलता हूँ कि मुझे नहीं लगता कि ये कोई भूत का काम है, ये कोई ना कोई इंसान है जो वहाँ के लोगों को पागल बना रहा है। मूसा, चाहे कुछ भी हो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम इस केस को जल्दी से जल्दी सॉल्व करो, वारदातें बढ़ती जा रही है। मैं सर को बोलता हूँ कि आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए। और फिर मैं कैबिन से निकलने लगता हूँ। मैंने तो सोच लिया था कि इस केस को मैं अपने तरीके से सॉल्व करूंगा और जो भी बंदा इसके पीछे है उसकी तो बैंड बजा के रख दूंगा। अब इस केस में मैंने काम शुरू कर दिया था और मैं फटाफट अपने स्कॉर्पियो में बैठ के काले जंगल की तरफ निकल पड़ा था। काला जंगल का एरिया हमारे शहर से 25 किलोमीटर की दूरी पे था और पड़ोसी के एकदम पास में था। ये एरिया वैसे तो काफी सुनसान रहता है, लेकिन रात में यहाँ पे छपरी लोग घूमते रहते हैं। आधे घंटे के बाद मैं पहुंच जाता हूँ काले जंगल की तरफ, लेकिन वो एरिया काफी ज्यादा सुनसान दिखाई दे रहा था और वहाँ पे सिर्फ मुझे एक ही फ्रूट वाला दिखाई दिया। मैं फटाफट अपने गाड़ी से उतरा, जंगल का थोड़ा मुआयना किया और जब मुझे यहाँ पे कुछ नहीं मिला तो मैंने सोचा कि चलो इस सब्जी वाले से ही पूछ लेते। मैं फौरन चलते हुए सब्जी वाले के पास गया और उससे पूछने लगा, हाय, मैं हूँ इंस्पेक्टर मूसा, मैंने सुना है इन दोनों यहाँ से काफी भूत की वारदातें आ रही है, क्या तुम इस बारे में कुछ जानते हो? हाँ जनाब, जानता तो बहुत कुछ हूँ, बस बोलने से डरता हूँ। ये सुन के मैं उसे पूछता कि तुम जो भी जानते हो मुझे फौरन बताओ। सर, मैं जानता हूँ आप मेरी बात पे यकीन नहीं करेंगे, पर फिर भी सुनिए। अरे हाँ बाबा, हाँ जल्दी बताओ, मुझे नाश्ता करने जाना है। इस जंगल को लोग कई नामों से जानते हैं, काला जंगल, पीला जंगल, पर इस जंगल का नाम है रमेश का जंगल। क्या कहा, रमेश का जंगल? सही सुना आपने, रमेश का जंगल। आज से लगभग 500 साल पहले। 500 साल पहले अबे क्या बकवास कर रहा है? मेरा मतलब था कि 15 साल पहले एक लड़का हुआ करता था जिसका नाम था रमेश। रमेश एक सीधा साधा लड़का, दिल का बड़ा ही प्यारा थी उसके पास एक बुलेट, और वो था छोरा जमींदारा का। जितना दिखने में शरीफ था उतना ही हिम्मत वाला था। एक दिन वो अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए शहर आया, पर तभी उसे उसके बाप का फोन आया। अरे आज बाबा का फोन आना जरूरी था क्या? हेलो बाबा। बेटा मेरा टाइम आ गया, मैं जा रहा हूँ। नहीं पापा, मैं वापस गांव आ रहा हूँ। क्या ये गाड़ी 100 के पेट्रोल में चंद्रपुर जाएंगे? पापा मैं आ रहा हूँ। रमेश तो हॉस्पिटल की तरफ निकल गया था, पर उसने सोचा नहीं था उसे वहाँ पे कुछ अलग देखने को मिलेगा। अरे पापा जी, आपको क्या हो गया, आप इतने जल्दी क्यों जा रहे हो? बेटा तू जानता है मुझे शुगर था और मैं मीठा खाना नहीं छोड़ता था, रोज फैंटा के पूरे खत्म करता था, फूटी रोज पीता था। पापा मैंने बोला था असलम भाई की दुकान से फूटिया मत पिया करो, उसमें शक्कर होती है। बेटा देख, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है, एक पैसा नहीं है। ऐसा मत बोला पापा, क्या मैं भूखा मर जाऊँ? बस बेटा मेरे काले जंगल का ध्यान रखना। अफसोस ये नहीं रहे। क्या बोला आपने? अबे गधे, ये मर चुका है,
ओए पापा नहीं। उसके बाप की मौत का सदमा वो बर्दाश्त नहीं कर सका, पर उसने ठान लिया था वो काले जंगल की हिफाजत हमेशा करेंगे। वो चौकों पे खड़े होके अवेयरनेस फैलाता था। ओए मैं आप सब लोगों से कहना चाहता हूँ कि अपना कचरा पड़ोली के पीछे वाले जंगल में ना फेंके। चिप्स और चॉकलेट के पूड़े से पॉल्यूशन होता है, समझ में आई? हम सबको मिलके जंगल को साफ सुथरा करना है। उसकी सोच तो बड़ी नेक थी, पर लोग कहाँ सुनने वाले। एक सुनसान रात की बात है, रमेश अपने जंगल से गुजर रहा था, तभी उसे उसके जंगल में कोई रोशनी दिखाई देती है। रमेश उस जगह पे जाके अपनी गाड़ी को रोक देता है और वहाँ का नजारा देख के उसका खून खौल उठता है। वो देखता है कि उसके जंगल में बहुत सारे छपरी लोग आ गए और वो लोग हर वो चीज कर रहे थे जो उस जंगल में नहीं करना चाहिए। दारू, सुट्टेबाजी, खर्रा और सबसे बड़ी बात, वो उस जंगल में पॉल्यूशन फैला रहे थे। रमेश ये सब देख के खुद को रोक नहीं पाता और गाड़ी से उतर के बोलता है, अबे ओ छपरियो, ये जंगल के तुम्हारा बाप का है। अबे क्या बोला रे तू? इरफान भाई देखो ये बोल रहा है, जंगल इसके बाप का है क्या? चरण भाई देखो बोला कौन पागल आ गया अपने को बोलने लगा है। ए, क्या है रे, ज्यादा मस्ती चढ़ी तेरे को? ये मेरे पापा का जंगल है, तुम इसे गंदा नहीं कर सकते। अबे ये जंगल मेरा है क्योंकि तेरा बाप तो मैं ही हूँ। ये बात सुन के रमेश को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ के चारों लड़कों से अकेले फिरने लग जाता है। रमेश ने शुरुआत में बंदों को अच्छी टक्कर दी और उन्हें उनकी नानी से लेके खाला तक याद दिला दी, पर क्या करें, ना चाहते हुए भी वो अकेला था और अकेला इंसान पड़ जाता है कमजोर। रमेश अब जमीन पर लाचारों की जैसा पड़ा हुआ था, पर उसकी जिबान पे सिर्फ एक ही वट्टा, मेरे पापा का जंगल मैं बचा के रहूंगा। अबे वो पागल, तेरे पापा इधर आने नहीं वाले। इस कमीने ने मेरे ऊपर हाथ उठाया तो इसको मैं देखूंगा। अरे जमील भाई तुम क्या सोच रहे हो? इस छोकरे ने जमील से पंगा लिया, आप बताता हूँ जमील भाई क्या चीज है। रुक जा, आज मैं इस छोकरे का खेल हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। अरे जमील भाई, क्या कर रहे हो? नहीं, अबे सब साइलेंट हो जाओ वरना मैं वायलेंट हो जाऊंगा। अरे जमील भाई दिमाग गरम मत करो, छुरा अंदर डालो वापस। अरे जमील भाई मत मारो ना बाबा, हम अंदर अंदर चल जाएंगे। आज पता चले यहाँ जंगल किसके बाप का है, आज इसी जंगल में इसे तफला दूंगा। उस जानवर ने रमेश पे इतने वार किए कि रमेश का सर धड़ से अलग हो गया। जो भी जमील को रोकेगा उसका असर ऐसा ही होगा, समझ गए ना तुम लोग? भाई पर तुमने बहुत बड़ा कांड कर दिया भाई, भागते हैं यहाँ से वरना लफड़े हो जाएंगे। कल सुबह न्यूज आएंगे किसी जंगली जानवर ने किसी को काट के मार दिया। पर उसके बाद वो बेशरम दरिंदे अपनी अपनी गाड़ियों में बैठ के वहाँ से रवाना हो गए, बिना ये सोचे कि उन्होंने किसी के घर का चिराग बुझा दिया है। पर वो कहते हैं ना, किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। रमेश की बेचैन आत्मा वहाँ की एक लौती लोहे की चीज में समा गई। और तब से लेके आज तक रमेश की आत्मा इधर भटकती है इस जंगल की हिफाजत करने के लिए। अभी उसकी सारी लंबी बातें सुनने के बाद मैं उसे बोलता हूँ कि भैया आपने कहानी तो बहुत अच्छी बनाई है, लेकिन इसके अंदर सच कुछ भी नहीं था, लेकिन सुनने में मजा जरूर आया। सर पर ये सब कुछ सच है, आपको यहाँ पर नहीं घूमना चाहिए। ये सुन के मैं उसे बोलता हूँ बस करो भाई, पुलिस को अपना काम करने दो, तुमसे यहाँ पे पूछना मुझे आना ही नहीं चाहिए था। और फिर उसके बाद मैं अपने साथी ऑफिसर्स को फोन लगाता हूँ और उन्हें बोलने लगता हूँ कि आप सभी लोग यहाँ पे काले जंगल की तरफ आ जाइए, आज हम यहाँ पे सारी रात पेट्रोलिंग करेंगे और जो भी वारदातें यहाँ पे आ रही है उसका पता जरूर लगा लेंगे। वो लोग बोलते हैं ठीक है, हम लोग आधे घंटे में पहुंच जाएंगे। और फिर फोन रखने के बाद मैं उस फ्रूट वाले को बोलता हूँ कि भाई तुमने कहानी बहुत अच्छी बनाई थी, स्टोरी राइटर जरूर बन सकते हो। अब शाम हो गई थी और मेरे सारे साथी ऑफिसर्स पेट्रोलिंग करने के लिए आ चुके थे, हमें ठंडी बहुत लग रही थी, हमने थोड़ी सी आग भी जला ली और हम सब मिलकर गप्पे मार रहे थे। मूसा सर क्या आपको सच में लगता है कि इधर भूत है? क्या मालूम भूत हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, अपने को क्या पता। अरे यार मैं तो बोल रहा हूँ ना यहाँ पे प्रॉपर्टी का मसला है, शायद से कोई जानबूझ के कर रहा हो, अपने को क्या मालूम। मुझे तो यहाँ से बहुत अच्छी वाइब्स आ रही है, देखो कितना अच्छा माहौल है, यहाँ पे भूत हो ही नहीं सकता। मूसा सर मुझे तो वो दुकान वाले पे शक जा रहा है, उसको लगता तोड़ना पड़ता ना पुलिस के। अब यहाँ पे हम अपने गप्पे मार रहे थे तभी इतने में फिर से वो फ्रूट वाला आता है और गाड़ी उतर के हमारे पास आके हमें बोलने लगता है, सर थोड़ी देर में रात होने वाली है, आपको यहाँ से चले जाना चाहिए क्योंकि रात होते ही उस रमेश का कहर इस जंगल में शुरू हो जाता है। कुछ हफ्ते पहले कुछ लोग आए थे और उनकी लाश उस तालाब में मिली। अब उसकी ये बातें सुन के मेरी भी थोड़ी फट रही थी, लेकिन मैंने उसे बोला कि पुलिस को अपना काम करने दो। जैसे आपकी इच्छा सर, खुदा आपकी हिफाजत करे। सर उसकी बातों में कुछ तो सच्चाई लगी मुझे। और इतना बोलने के बाद वो फ्रूट वाला अपनी गाड़ी में बैठ के वहाँ से चले जाता है और हमें बस अब इंतजार था रात होने का।
अब रात हो चुकी थी और जंगल में पूरी तरीके से अंधेरा छा गया था। हम तीनों के तीनों ऑफिसर्स एकदम चौकन्ने थे और हम लोग उसी जगह पे बैठे हुए थे जहाँ से वारदातें सामने आ रही थी। मैंने तो सोच के रख लिया था कि इस भूत का पर्दा मैं आज फाश करके ही रहूंगा। अरे मूसा भाई, ठंड बढ़ रही है, इसका मतलब तुम समझ रहे हो आसपास कोई तो बुरी शक्ति जरूर है। अब ये सुनने के बाद मैं अपने साथी ऑफिसर को बोलता हूँ कि भाई अक्टूबर का महीना चल रहा है, ठंडी तो होंगी ना। अब हम पुलिस वाले ऐसी बात करेंगे तो फिर नॉर्मल लोगों से हम क्या उम्मीद कर सकते हैं। तभी मेरे एक साथी ऑफिसर मुझे बोलने लगते हैं, यार मेरा पेट थोड़ा सा गड़बड़ा गया है, मैं थोड़ा झाड़ियों में करके आता हूँ, अरे संभल के जाना। अब मेरे साथी ऑफिसर जंगल की तरफ टॉर्च लेके निकल पड़े थे और उनका पेट भी ऐसे गलत टाइम पे खराब हुआ था कि क्या बताए। यहाँ पे हमको एक भूत वाला केस सॉल्व करना है और इन्हें तो अपने पेट साफ करने से फुर्सत ही नहीं मिल रही थी। आज तंदूरी चिकन नहीं खाना चाहिए था, पूरा पेट खराब हो गया यार। चलो यही कर लेता हूँ और अंदर जाना मुझे ठीक नहीं लगता। कले कले सुबह के 4 बजे, हाथ में लोटा लोटे में पानी, जंगल की सैर को चले। अरे बाप रे, अरे ये क्या, ए कौन रे, लाइट बंद कर, ए लाइट बंद कर, लाइट बंद कर, दिखाई नहीं देता मैं अभी काम कर रहा हूँ। अबे साले अपने बाइक का लाइट बंद कर। अबे बुलेट के फटाके मत फोड़, मैं यहाँ पे फटाके फोड़ रहा हूँ। ये क्या कर रहा है, पास बता। ये आवाज कैसी थी? हमें अपने साथी ऑफिसर की एक जोरदार चीख सुनाई देती है और जिसकी वजह से हम दोनों अलर्ट हो गए थे। कुछ तो गड़बड़ है, हमें चेक करना चाहिए। चलो मैं भी आ रहा हूँ तुम्हारे साथ। हम दोनों मेरी स्कॉर्पियो में बैठते हैं और उसे स्टार्ट करके सीधा निकल पड़ते हैं उस जगह की तरफ जहाँ पे हमारे साथी ऑफिसर अपने आप को हल्का करने के लिए गए थे। और बस थोड़ा आगे जाने के बाद हमें वो झाड़ियाँ मिल जाती है जहाँ पे हमारे साथी ऑफिसर गए थे और मैं गाड़ी को वहाँ पे रोक देता हूँ। लेकिन मैं जैसे ही गाड़ी से उतरा तब जाके मुझे मालूम पड़ा कि ये मैटर कुछ ज्यादा ही भयानक है। मुझे वहाँ की जमीन और झाड़ियों पे दिखाई देता है बहुत सारा खून, जिसे देख के मैं बुरी तरीके से घबरा गया था। और देख के तो ऐसा ही लग रहा था कि ये खून मेरे साथी ऑफिसर का है। दूसरे ऑफिसर को ये देख के सदमा लग गया था और वो बोलने लगते हैं, अबे साला कौन है तू जो ये कर रहा है, तेरे तो मैं आज नहीं छोड़ने वाला, तू कोई भी हो मैं जा रहा हूँ, तेरे को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा कमीने, मेरे दोस्त को मार दिया तूने। और फिर वो मेरी गाड़ी को लेके काले जंगल की तरफ जाने लगते। मैंने उन्हें रोकने की कोशिश की कि काले जंगल के अंदर अकेले मत जाओ, लेकिन वो मेरी नहीं सुनने वाले थे, वो और भी अंदर जाने लग गए। मेरा दिमाग पूरी तरीके से ब्लैंक हो गया था, समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मेरे पास अब कोई चारा नहीं था सिवाय उनका पीछा करने के, तो मैं भी फौरन गाड़ियों की तरफ भागता और फटाफट वहां से एक अर्टिगा उठाता हूँ, उसे स्टार्ट करता हूँ और सीधा निकल पड़ता हूँ जंगल की तरफ। अपनी गाड़ी को फुल एक्सेलरेट दे देता हूँ और उसके बाद मैं पूरी रफ्तार से काले जंगल के अंदर एंट्री कर देता हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार ये चल क्या रहा है। सिर्फ 5 मिनट पहले तक तो सब ठीक था, लेकिन अभी पूरा माहौल बदल चुका था। मैं अपने साथी ऑफिसर को सायरन मार के रुकने के लिए बोल रहा था, वहाँ पे अनाउंस कर रहा था कि रुक जाओ जंगल के अंदर और मत जाओ, लेकिन वो मेरा सुनने का नाम बिल्कुल भी नहीं ले रहे थे और गुस्से और सदमे दोनों में थे, इस वजह से वो मेरी बात बिल्कुल भी नहीं सुन रहे थे। गाड़ी की रफ्तार बढ़ा के वो जंगल के और भी अंदर जाने लगे, जहाँ पे जाने के लिए हमें सख्त मना किया गया था। और थोड़ी देर के बाद वो मेरी नजरों से गायब हो गए। मैंने उन्हें बहुत ढूंढने की कोशिश की लेकिन आसपास मुझे वो दिखाई नहीं दिए। लेकिन तभी अचानक से मुझे दिखता है कि उनकी गाड़ी सामने एक पोल पे जाके क्रैश हो चुकी है। ये देख के तो मैं और भी घबरा गया था कि अचानक से ये सब क्या हो गया है। मैं फौरन अपनी गाड़ी से उतरता हूँ, भागते भागते अपने साथी ऑफिसर के पास पहुंच जाता हूँ। वहाँ पहुंचने के बाद मुझे थोड़ी सी राहत मिलती है क्योंकि मेरे साथी ऑफिसर तो ठीक थे लेकिन मेरी स्कॉर्पियो का बहुत बुरा हाल हो गया था। मैं उनसे पूछता हूँ कि अचानक से आपसे गाड़ी कैसे क्रैश हो गई, क्या हुआ था। उन्होंने मेरी बातों का कोई जवाब नहीं दिया, वो बस जंगल के काले अंधेरे की तरफ घूर रहे थे और बोल रहे थे, वो देखो। और जैसे ही मैं अपने गर्दन घुमा के राइट साइड में देखता हूँ तो मेरे होश उड़ जाते हैं। अब मुझे समझ में आ गया था कि जो लोग रिपोर्ट लिखवाने आए हैं वो सारे के सारे सच बोल रहे थे। मेरे सामने एक बुलेट खड़ी थी और उसके ऊपर जो राइडर था उसका सर नहीं था। उसे देखने के बाद मेरा टाइम, इमेजेस, इमेजिनेशन ये सारे के सारे आपस में मिक्स हो रही थी। लेकिन हकीकत तो ये थी कि मेरे सामने बुलेट पे एक बिना मुंडी का आदमी था। मैंने सोचा नहीं था कि मेरे केस सॉल्व करने की जिद मुझे यहाँ तक लेके आ जाएंगी। उसके बाद वो बिना मुंडी का भूत बाइक से उतर के सीधा मेरे तरफ देखने लगता है। भले ही उसका सर नहीं था लेकिन ऐसा लग रहा था कि उसके आगे मुझे लगातार घूरे जा रही है, जिसे देख के मैं बुरी तरीके से घबरा गया था। और मुझे लिटरली पता नहीं चलता कि वो बंदा कब मेरे एकदम पास आ चुका है और बिल्कुल मेरे सामने आके खड़ा हो गया है। और फिर पता नहीं कैसे अचानक से उस भूत के हाथ में एक औजार आ जाता है, वो भी बहुत खतरनाक था। मैं ये नहीं देख सकता, नहीं देख सकता मैं। अब आगे क्या होगा ये तो आपको अगले एपिसोड में पता चलेगा। तो आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया दोस्तों, वीडियो पे एक लाइक कर दो, शेयर कर दो, चलो को पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। 12,000 लाइक्स होते इस वीडियो को जल्दी से नेक्स्ट पार्ट आ जाएगा, तो फटाफट लाइक कर दो। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।